पुलिस वाले आखिर क्यों वाहन चालकों को गुलाब दे रहे हैं? ट्रैफिक नियम तोड़ने पर हेलमेट दिया जा रहा है। जिन लोगों का कायदे से चालान कटना चाहिए था, उन लोगों को पुलिस गांधीगिरी दिखा रही है, और ये गांधीगिरी हरियाणा पुलिस दिखा रही है। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं। इसी को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने नायाब तरीका अपनाया और चालान काटने की बजाय लोगों को जागरूक करना शुरू किया। डीजीपी साहब की तरफ से डायरेक्शंस है पूरे हरियाणा में कि जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि यातायात के नियमों का पालन करें, और उनको 3 दिन लगातार हम इसको प्रयास करते रहेंगे। इस प्रयास में हम स्कूल कॉलेज के बच्चों का भी पार्टिसिपेट करवाएंगे और अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर यह प्रोग्राम जारी रहेगा। हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसमें जुर्माने की बजाय यातायात नियमों की पालना पर जोर दिया गया है, और इसको जागरूक करने के लिए 3 दिवसीय विशेष पखवाड़ा उच्च अधिकारियों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमें यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले चालकों को यातायात नियमों को ज्ञान देने के साथ साथ एक फूल भेंट कर रहे हैं, ताकि उनको अपनी गलती का एक सुखद एहसास हो और वो अपने दिल से इन नियमों की पालना करें बिना किसी चालान के दबाव के। ये एक प्रयास है कुंडली थाना पुलिस और जिला पुलिस सोनीपत के द्वारा, जिसमें ये 2-3 दिन हमारा अभियान जारी रहेगा। पुलिस की गांधीगिरी की लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं और वाहन चालक अपनी गलती मान भी रहे हैं। नहीं, अब इसका पालन करेंगे जी, इसका पालन करेंगे। कैसा कदम है जी पुलिस का ये जो आज जागरूक है? बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कर रही है। सीट बेल्ट वगैरह लगा के हेलमेट लगा के चले, अगर आपके पेपर पूरे होंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। हमारे को तो कोई नहीं रोकता, हम दिल्ली वगैरह कभी जाते हैं। बढ़िया भैया, अगर ऐसे ही रूल को फॉलो करेंगे तभी कुछ आगे बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला ऐसा। हरियाणा पुलिस डीजीपी के आदेशों के बाद नए ट्रैफिक नियमों और न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसीलिए यमुनानगर और सोनीपत में पुलिस अनोखे अंदाज में नजर आई। R9 TV के लिए सोनीपत से नितिन आंतिल और यमुनानगर से रण सिंह चौहान की रिपोर्ट।